कन्नौत खातेगांव रोड पर स्थानीय कन्याशाला और कन्या छात्रावास की बाउंड्री से लगी गुमटियों का मंगलवार को प्रशासन ने सख्ती से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान प्रशासन और गुमटी धारियों के बीच बहस भी हुई। वहीं कन्याशाला और छात्रावास की दीवार से लगाकर करीब 20 से 23 गुमटियों का अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम प्रिया वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्याशाला में छात्राओं को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, साथ ही उन्होंने इस संबंध में अवगत भी कराया था। इसी को लेकर अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण चिन्हित कर उन्हें भी जल्दी ही हटाया जाएगा। इस मुहिम के चलते कई दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया। अतिक्रमण हटाते समय नगर पंचायत सीएमओ प्रमिला ठाकुर, तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका, उपयंत्री शिवम गुप्ता, नायब तहसीलदार अविनाश सुनानिया आदि मौजूद थे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन नगर के कई स्थानों के अतिक्रमण को कब तक हटा पाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। गर्ल्स हायर सेकेंडरी और जो हॉस्टल है गर्ल्स, उसके सामने का जितना भी अस्थायी अतिक्रमण है, उसकी वजह से छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका रेगुलर यहाँ से आना जाना है। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जितनी भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको आज हटाया जा रहा है। सर, नगर में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है आवागमन में, उस अतिक्रमण के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सतवाद रोड है, मेन मार्केट है, अगले क्रम में उसके बारे में भी विचार किया जाएगा और एक रणनीति बना करके वहाँ की व्यवस्थाएं भी सुचारू की जाएगी। विशेष जगह को लेकर ही अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है? सभी जगह जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा? चिन्हित किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा समस्या आ रही है, पहले वहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई जैसा भी उचित लगेगा की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।